ओके तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विद स्पेशल केसेस ऑफ एलपीपी सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमने ग्राफिकल मेथड को स्टडी कर लिया था लास्ट वीडियो में, अब हम उसके स्पेशल केसेस स्टडी कर लेते हैं। कभी कभी क्या होगा कि ग्राफिकल मेथड से आपको जो फिजिबल रीजन मिल रहा था, फिर आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल रहे थे, बहुत इजीली आपका सम सॉल्व हो रहा था, लेकिन कभी कभी ये फोर टाइप्स के केसेस हैं जो आपके सम के अंदर आएंगे, तो हम वो केसेस समझेंगे विथ न्यूमेरिकल। चलिए तो फर्स्ट केस कौन सा रहेगा, सो दैट इज मल्टीपल ऑप्टीमल सॉल्यूशंस। तो वो कौन सा केस है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें मोर देन वन पॉइंट पे जेड का वैल्यू ऑप्टिमाइज मिलेगा, मतलब कि अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो मोर देन वन पॉइंट के ऊपर आपको वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। वैसे टाइप के सॉल्यूशन जो रहते हैं वो होते हैं मल्टीपल ऑप्टीमल सॉल्यूशन। तो मैंने यहां पे लिखा भी है द गिवन एलपीपी मे हैव मोर देन वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मल्टीपल ऑप्टीमल सॉल्यूशन। उसे अब एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। तो यहां पे मैंने उसके लिए एक न्यूमेरिकल प्रिपेयर किया है जो कुछ ऐसा दिया गया है कि मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 6x1 + 4x2, और यहाँ पे उसके कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, हमें मैक्सिमाइज करना है, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ को बना के रखा है, आपको उसका मेथड आता ही है। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो जो ग्राफिकल मेथड के ऊपर था वो नहीं देखा हो तो वो जरूर से देख लीजिए, तो आपको ये मेथड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट का लेस देन है और सेकेंड कंस्ट्रेंट का ग्रेटर देन है, मैंने दोनों का यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट का लेस देन है तो वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन गया है, और ये ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन गया है। तो उनका बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, तो ये लाइन का इस साइड वाला और ये लाइन का इस साइड वाला, तो दैट इज दिस ट्रायंगुलर रीजन। तो ये मैंने यहाँ पे उसका फिजिबल रीजन मार्क कर लिया है, और जो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो कौन सा रहेगा वो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है, 3, 1.5, 3, 0 एंड 4, 0। अब आप क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर से आप उसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखा है, उनकी वैल्यू जेड लिखी है जो हमने ग्राफिकल मेथड में सीखा है, सेम किया है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं उस टाइम के जो सब थे वहां पे हमें सिर्फ एक ही आंसर मिलता था, तो मैक्सिमाइज हो तो हम सबसे जो ग्रेटर आंसर हो उसे हम सिलेक्ट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे 24 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो मोर देन वन पॉइंट के ऊपर हमें सेम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिला है। सो इसीलिए इस केस का नाम क्या है, ऑप्टिमल मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे। तो नेक्स्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन। अब इनफिजिबल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या रहता है, हमने आपको आगे भी बताया है कि यहाँ पे जो एरिया बनता था उसे हम क्या कहते थे, फिजिबल रीजन। तो इनविजिबल सॉल्यूशन आप नाम पे से भी मेकआउट कर सकते हैं कि वहां पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो यहां पे मैंने यही लिखा है, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी फॉर गिवन कंस्ट्रेंट्स, डेट कंडीशन इज कॉल्ड एज इनविजिबिलिटी। वो कंडीशन को क्या हम कहेंगे, इनविजिबिलिटी, एंड सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इनविजिबल सॉल्यूशन। उसे अब न्यूमेरिकल से समझेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। तो यहां पे हमारा पूरा केस आ गया है इनफिजिबल सॉल्यूशन का। तो यहां पे सेम मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, दैट इज मिनिमाइज जेड करना है, उसके कंस्टेंट्स दिए गए हैं और उनके बेसिस पे मैंने यहां पे उनकी लाइंस ड्रॉ कर ली है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने मार्क भी कर दिया है कि कौन सा अवे फ्रॉम ओरिजिन है, कौन सा टूवर्ड्स द ओरिजिन है। अब अगर हम रीजन को चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर ये लाइन को मैं कंसिडर करता हूं तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ये रीजन होगा, ये लाइन को कंसिडर करूंगा तो टूवर्ड्स द ओरिजिन ये रीजन होगा, ये लाइन को मैं कंसिडर करूंगा तो दैट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इसका रीजन ये साइड गया, इसका रीजन उधर गया, इसका इधर गया और बाकी ये रहा वो इधर। तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी रीजन बाउंड ही नहीं हो रहा है। हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये पूरा रीजन रहेगा इसका, ठीक है ये साइड वाला रीजन। अब ये जो लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है
फिर ये लाइन है, ये जो लाइन है उसके साथ ये तो इंटरसेक्ट कभी भी नहीं होगा, मतलब आपको फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा इसमें आप कह सकते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है इनविजिबल सॉल्यूशन। अब ये लाइन को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे सब इंटरसेक्ट होंगे, लेकिन ये लाइन और ये लाइन का रीजन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये सिंपल आप सिर्फ ये दो लाइन से भी मेकआउट कर सकते हैं कि ये इनविजिबल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। चलिए तो अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट केस है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इट इज दैट सॉल्यूशन वेयर द रीजन फॉर द सॉल्यूशन फॉर गिवन कंस्टेंट इज ओपन एंडेड एंड द प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज इनफाइनाइटली विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट। अब ये बहुत अच्छा केस है, हम उसे न्यूमेरिकल से समझेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। तो मैं यहां पे आपको न्यूमेरिकल दिखा देता हूं। तो यहां पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल मैंने बनाया है। दैट इज मैक्सिमाइज द जेड सब्जेक्ट टू दिस वन एंड द कंस्ट्रेंट्स। अब यहां पे मैंने उसका लाइन ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो ये लाइन का पूरा रीजन ये साइड पे जाएगा, ये लाइन का रीजन यहां पे जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ये जो रीजन आ रहा है यहां पे वो उसका फिजिबल रीजन होगा, लेकिन आप देख सकते हैं मैं यहां पे एंड ही नहीं कर पा रहा हूं। अब ये लाइन है तो ये एक्सटेंड होगी अप टू इनफाइनाइट, तो वो रीजन जाता ही रहेगा, मतलब कि वो रीजन कभी भी बाउंड नहीं हो सकता। तो हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, हम कह सकते हैं यहां पे जितना आगे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा, मतलब कि इसमें आपका प्रॉफिट इनफाइनाइटली टाइम्स इंक्रीज हो सकता है, और वो मेनली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही रहता है। लेकिन दैट इज द केस ऑफ एलपीपी, तो हमने समझ लिया कि दैट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, यहाँ पे ये लिखा था कि वेयर द रीजन फॉर द सॉल्यूशन फॉर गिवन कंस्टेंट इज ओपन एंडेड, आप देख सकते हैं इज ओपन एंडेड एंड प्रॉफिट कैन इंक्रीज इनफाइनाइटली। आप देख सकते थे वहां पे मैंने क्या किया था, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज ही होता जा रहा था विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट, मतलब कि कंस्ट्रेंट था फिर भी वो इनफाइनाइटली टाइम्स इंक्रीज हुआ। अब लास्ट केस जो उसका है वो हम सीख लेते हैं, दैट इज सिंगल सॉल्यूशन। तो व्हेन द गिवन कंस्टेंट्स हैविंग ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे क्लियरली लिखा है हैविंग वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इफ देयर इज नो स्कोप ऑफ मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। यहां पे क्या कहा है कि ये केस मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटी नहीं लेकिन इक्वालिटी के फॉर्म में हो, मतलब कि इक्वल टू के साथ दिए गए हो, तभी ये केस आएगा कि हमें क्या मिलेगा, सिर्फ वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। अब आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, अब एक ही पॉइंट है तो आप मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां पे लिखा है एंड इफ देयर इज नो स्कोप ऑफ मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन एज पर गिवन कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड सिंगल सॉल्यूशन। सो हम यहां पे समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें हमारी ये है जेड है, अब सब्जेक्ट टू में आप देखेंगे तो आपको यहां पे क्या साइन दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे कौन सा साइन है, इक्वल टू साइन। अब उसका जो भी लाइन पड़ेगा वो कुछ इस टाइप का लाइन आएगा आपका, और ये सब आप खुद एक बार जरा सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब फ्रैक्शंस है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सम रहेगा, वो एक आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने आगे जितने भी केसेस देखे यहाँ पे मैंने एरो बना ही दिए थे, बिकॉज हमारे पास इनइक्वालिटी रहती है, लेस देन होती है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर देन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन ये केस में क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे इक्वल टू साइन है, तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन या टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे लाइन इज अ लाइन, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ लाइन ही ड्रॉ की है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगर बाउंडेड रीजन फाइंड करना हो तो दैट इज नथिंग बट दी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये मेरा जो पॉइंट आया है वो ही मेरा क्या रहेगा, सॉल्यूशन। तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर जेड फाइंड कर पाऊंगा, तो इसलिए वहां पे क्या लिखा था, सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको जेड मिलेगा। अब यही पॉइंट पे अगर आपको जेड मिल रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वही पॉइंट हमारा मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज सिंगल सॉल्यूशन। सो लास्टली हम क्विक रिविजन कर लेते हैं, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन था तो वहां पे क्या था, मे हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इनफिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या था कि नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन निकालना ही आपके लिए पॉसिबल नहीं है।
अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या था कि वहां पे रीजन आपका ओपन एंडेड रहता है, सो आपका प्रॉफिट इन्फाइनेटली टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा। और लास्ट सिंगल सॉल्यूशन में क्या था कि वहां पे सिर्फ एक वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। वो कैसे केस होते हैं, जब इनइक्वालिटी नहीं लेकिन इक्वालिटी टाइप के कंस्ट्रेंट हो तब ये केस आता है, और वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही आपका जेड का वैल्यू मिलेगा। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट इट इज मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो ये हमारे चार आज के केस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम के वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे साथ बने रहिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।